तो नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ में है शेख फिरोज, और मेरे साथ में है 28 दिसंबर का बैच। और सबसे पहले मैं यहाँ शुरुआत करना चाहूंगा कि यहाँ पर हम कितने दिन का आउटपुट दे रहे हैं बताइए। 5 दिन। सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि 5 दिनों में किस किस को आईसी रिबोलिंग करना यहाँ सीखा है, किस किस ने हाथ उठा के बताइए। यहाँ पर आईसी रिबोलिंग करना सीखा है आप लोगों ने, ठीक है? अच्छा, हाथ नीचे कीजिए। आप में से कौन कौन फ्रेशर है जिसने बिल्कुल काम नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं किया, ठीक है? हाथ नीचे कीजिए। अब मुझे बताइए किस किस ने लाइव मोबाइल में से सीपीयू निकाल के लगाकर चालू किया है सेट को। एक हो गया डेड मोबाइल से लगाना, एक हो गया चालू हैंडसेट से सीपीयू निकाल के वापस को चालू करना, आप सबने, ठीक है? हाथ नीचे कीजिए। अब अपने नंबर बताइए कि किसने एक से दो से एक ज्यादा बार किया है, जैसे किस किस ने किया है, एक बार हाथ उठा के बोलिए बताइए। तीन बार, सर। अरे वकार खान ने भी 2 बार किया है, वेरी गुड। 7 बार, वेरी गुड। 2 बार, सर। 2 बार, 3 बार, 2 बार, सर। 2 बार, जो अपना बोल नहीं पाए वो बोले प्लीज। 3 बार, 6 बार, 6 बार किया आपने, 6 बार किया है, 4 बार, 4 बार किया है, वेरी गुड। 2 बार, इसमें से 2 बार, तुम तो फ्रेशर हो ना बिल्कुल। 2 बार, कि वो लोग हाथ उठाओ जो फ्रेशर आए थे बिल्कुल। आप में से फ्रेशर कौन है जिन्होंने काम नहीं किया है? सो आप लोग इतने सारे लोग फ्रेशर है, ठीक है? सो आप जैसे कि देख रहे हो कि इतने सारे लोग फ्रेशर है, आप उनमें से आप लोग हाथ उठाओ किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, आप सबको रिबॉलिंग आती है। यस सर भी बोलना है बात, ठीक है? अच्छा ठीक है, नीचे अगले आप किन किन ने 1 टाइम सीपीयू निकाल कर वापस लगा के ऑन सेट में उसको चालू किया हुआ, हाथ उठा के बताओ। सो यहाँ पर 1 टाइम सीपीयू निकाल के, अब एक बार अपने नंबर बता देना कि इन्होंने एक नंबर से ज्यादा किया है, नीचे रख लो। कौन कौन ने ज्यादा किया है एक बार नंबर बोल दो अपना। 8 बार बैठे रहकर, 8 बार, 8 बार किया तुमने। 3 बार, 3 बार, 2 बार, 2 बार, नंबर बोलते रहो। 2 बार, सर। 2 बार, नंबर बोलते रहो बस। 14 बार, 14 बार, क्या बात कर रहे हो इतना? 2 बार किया है, ये फेक तो नहीं बन रहा है, बताओ। 3 बार ऑन मोबाइल में, बिल्कुल आपने किया है। तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना सर्किट डायग्राम के। अच्छा, किस किस को स्कीमेटिक रीड करना अभी बन जाएगा, बताओ। सर्किट डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं, रिसीवर और रिंगर जिसका हमने अभी पीसीबी देखने का नजरिया क्या हुआ है, बिल्कुल चेंज हुआ। आपका नाम क्या, कहाँ सा है? मनोज, दिल्ली से। इतना बड़ा शहर साउथ नॉर्थ दिल्ली, इतना बड़ा, आप छोटे से जबलपुर में क्यों? सर मैं बता नहीं सकता, ये इंस्टीट्यूट बेस्ट है, वो सारे टीचर है ना बहुत बेस्ट है सर, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जिसे सीखना है यहाँ पे आके सीखो, है मोबाइल पे ज्ञान नहीं मिलेगा, अगर सीखना है यहाँ पे आके सीखो, प्रॉपर नॉलेज मिलती है सर। एक एक पॉइंट जो हम छूट जाता है इसके बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाता है सर, बिल्कुल, और प्रैक्टिकल करवाया जाता है सर। क्या बात है, ताली बजा दीजिए सर। पीसीबी देखने का नजरिया पुरानी बात हो गई, यहाँ से जब हम जाएंगे तो पीसीबी से बात करने लगेंगे, जब हमारे हाथ में मल्टीमीटर होगा ना तो हम पहचान जाएंगे कि कहाँ से क्या फॉल्ट है। सही बात है, तो बहुत बेटी, बहुत ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आना चाहिए। बोलिए, एक बात है सर, मैं भी प्रेशर हूँ, आपको तो सर रात को 12 बजे भी मत पढ़ना होता है, 12 बजे भी हमारा मैसेज आता है और हम ये लेके बैठ जाते हैं, जो ये कंपोनेंट को पूरा सर्किट डायग्राम बना के देना पड़ता है, जो हमारे पास कुछ होता ही नहीं होता है, जबकि 9 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है जबलपुर का, इतने कम डिग्री में लोग कंबल में घुस जाते हैं। हम लोगों को उठ के सर अभी सर्किट बना के देना पड़ता है बिना औजार के, क्या बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। हो गया है, मैंने आपको एक दिन याद है पहले दिन में क्या बोला था, क्या चेंज कर दूंगा, क्या बोला था मैंने, बोला था कि अगर सारे लोगों को पता नहीं, सारे कंपोनेंट्स की अगर पहचान नहीं करवा दिया जान क्या खराबी है, तीन दिन के अंदर तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो मैंने अपना नाम बदला क्या, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। अभी आपको 3 बार, अभी अब आपको प्रैक्टिस करना है, और अब आपको अगर जैसे आप लोगों ने बोला 6 बार, 3 बार, 2 बार, अब आप सीपीयू को, अब आपका डर निकल गया है कि नहीं निकल गया है? और ये आपने सबसे, ये जो आए आप सबसे पहले कितने बजे से क्लास लगती है, कितने बजे से? 8 से 8। और आपने आते साथ सबसे पहले रिबोलिंग सीखी, और यहाँ पर फिरोज सर ने कैसा सिखाया आप लोगों को, तो एक बार ताली बजा दीजिए फिरोज सर के लिए।
चलिए दोस्तों यहाँ पर अभी शुरुआत करते हैं। ये हमेशा ये जो वीडियो रहता है ये मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि और भी जो स्टूडेंट हैं जो नवे हैं जो मेरे पास आना चाहते हैं या फिर वो स्टूडेंट जो कहीं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जो आधा एक एक महीना पढ़ रहे हैं और उनको उतना नॉलेज नहीं हो पाता है, तो ये बनाने के लिए कि हम 5 दिन में कितना हद तक इन अपने स्टूडेंट को दे पाते हैं और ये कितना हद तक ले पाते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सच बता दूं यहाँ पे एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो हमें क्लास से मैंने कहीं उसको बाहर किया हुआ है। सारे जितने स्टूडेंट हैं और उतने ही स्टूडेंट यहाँ पे मैंने बिठाए और इस बार हम कुछ अलग करेंगे, इस बार हम सब स्टूडेंट से एक साथ पूछेंगे। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अभी तक हम क्या क्या सीखे, क्या क्या सीखे, हम कंपोनेंट सीख गए पूरे, मतलब आप सबको रजिस्टर क्या ट्रांजिस्टर कॉइल कपलर ये सब कुछ बनेगा कि बनेगा, सीरीज और पैलर बनेगा कि बनेगा, ट्रेसिंग आपने सीखी कि नहीं सीखी, कंटिन्यूटी क्या होती है, कैसे फॉल्ट फाइंडिंग को किया जाए, और अब हमने बैटरी की आपको क्लास दी है। तो अभी हम इसी 3-5 दिन की बात करेंगे और जिसमें आईसीयू की क्लास दी है हमने कि अगर पीएम पीएमआई पीएमएल सबका अंतर बताया आपको, कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन का सेक्शन होता है, डीसी टू डीसी क्या, सारी चीज का आपको यहाँ पर डिटेलिंग के साथ में दी हुई है। चलिए सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, हाथ उठा के बताइएगा रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला रजिस्टर बताओ कौन से प्रकार, सबसे पहला रजिस्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। अच्छा थर्मिस्टर में एक मैच चल रही है कि लोग वीडियो और थर्मिस्टर को पहचान नहीं सकते, वीडियो और थर्मिस्टर को पहचान सकते हैं आप यहाँ पर, बिल्कुल, मतलब अब थर्मिस्टर की वजह से क्या फॉल्ट आता है, टेम्परेचर का, बैटरी लो आता है, बैटरी पॉस, बैटरी पॉस आता है और जनरली वो ढूंढ नहीं पाते लोग। तो मुझे आप ये बताओ कि जो थर्मिस्टर है ये किस किस सेक्शन में लगा होता है, सीपीयू में, सीपीयू के पास रहता है, नेटवर्क में, नेटवर्क में खास करके पीएफओ के पास रहता है, उसके बाद बैटरी चार्जिंग कनेक्टर के पास रहता है। और ये जो पीएफओ के पास रहता है मुझे कुछ 2-3 प्रकार के पीएफओ के नाम बताओ, अगर वाकई में आपने आईसी सेक्शन किया है तो पीएफओ, पीएफओ टीक्यू आरोही अबैगो जस्ट लाइक आरएफ आरएफ और एक स्टार वाला कौन सा है, स्काईवर्ड। तो आपको यहाँ पे कैसा लगा, मतलब क्या सोच के आए थे कि 3 दिन में क्या मिलेगा और वाकई में जो आप ये वीडियो देखे थे या जो वीडियो आप दे रहे हो उसको कैसा फील कर रहे हो आज? मैं तो एक्चुअल वीडियो देख के आया था कि जैसे वीडियो में दिखाया गया वैसे मुझे सब कुछ मिला यार। मिला यहाँ पर, मतलब यहाँ पे आप सेटिस्फाई हो कि नहीं हो यहाँ पे आने से, फुल सेटिस्फाई हो, थैंक यू वेरी मच, इनके लिए ताली बजा दीजिए। तो अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की, कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पोलर कैपेसिटर और सभी को पता है, बार बार हर बार पूछने की जरूरत नहीं कहाँ लगे होते हैं क्या नहीं, सारी चीज बताई गई है कहाँ के नहीं निकालने चाहिए, कहाँ के लगाने चाहिए, कहाँ के क्या। अगर हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर बताओ, ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कौन कौन से, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर बना दो जरा, देखो एक ट्रांजिस्टर बना दो यहां पर, वो मत बनाओ, वो मत बनाओ, मेरा सिर्फ सिंबल बनाओ, बताओ कौन ये ट्रांजिस्टर बता सकता है, हाथ उठा के बताओ कौन ये ट्रांजिस्टर सब बता सकते हैं, वकार तुम बताओ कौन सा है, पीएनपी, वकार तुम बिल्कुल फ्रेशर हो ना, मतलब मैं आप बैठ जाओ, थैंक यू वेरी मच, आप मुझे कमेंट करते थे हमेशा, सर मैं आ रहा हूँ, सर ये है, बहुत सारे आपने रिव्यू भी देखे हमारे पुराने, सो क्या देखकर आपने एशिया टेलीकॉम को ज्वाइन किया और क्या एक्चुअल में पाया आपने, थोड़ा रिव्यू देखा है, मतलब जो है यहाँ आके लगा कि जो है मतलब सिखाया जाता है कुछ, यहाँ पर जितने भी टीचर हैं बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, फिरोज सर हैं, आप हैं और दुर्गेश सर हैं, साहिल सर हैं, सब बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो वाकई में आपको यहाँ पर एज अ फ्रेशर, आप क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एज अ फ्रेशर को आजकल इंस्टीट्यूट वाले ज्यादा बताते नहीं है, ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ छोड़ देते हैं, सो आपको क्या फील हुआ एज अ फ्रेशर कि आपने यहाँ पर वाकई में आपने सीखा है कि नहीं, और यहाँ पर कितने नॉलेज पे आपको मिली है चीजें, हमसे तो रिबॉलिंग नहीं हो रही थी। हाँ फिरोज सर ने इतना मेहनत की लास्ट टाइम पे 3 बार में की। आप सच बताइए कि एक एक के साथ खड़े होकर नहीं करवाए हैं क्या हमने, एक एक साथ खड़े होकर मेहनत करके था, फिरोज क्या बताएंगे इनके लिए, आप थोड़ा सा बताइए, नहीं हो पाने का कारण क्या था, मैं सच बताऊं सर, एक्चुअली कुछ चीजें जो टेक्निक होती है लोग वो स्टेप बाय स्टेप वो फॉलो नहीं करते, तुम बिल्कुल आज तक छुए नहीं स्टेंसिल, तो ये रीजन ये है, इनके साथ और ऐसा कौन है जो स्टेंसिल बिल्कुल नहीं छुए, जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे एक बार बताओ कि आज आपको मोबाइल रिपेयरिंग करने का जरूरत क्या है, मतलब क्यों आप मोबाइल रिपेयरिंग के बिजनेस में आना चाहते हैं, बिजनेस के लिए नहीं आया, ये मैं सीखने की वजह से आया और मेरा जुनून था, मैं सीखना चाहता हूँ और यहाँ आके फिर उस सर के बदौलत ये जो सीपीयू का रिबोलिंग है मुझे पहला दिन हुआ नहीं था,
लेकिन फिरोज सर का जो ठीक दिया गया था मुझे, मैंने उसे फॉलो किया और एक ही बार में मैंने 6 बार बनाया सर। क्या इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। आपको किसने बोला मेरे एसर टेलीकॉम को ज्वाइन करो? सर मुझे आपका वीडियो देख के अच्छा लग रहा था, तो मैंने 6 महीने से आपका वीडियो देखा, लेकिन लक्ष्मण यहाँ आने के बाद मुझे मिला कि ये गुरुकुल है, ये कोई इंस्टीट्यूट है ही नहीं, यहाँ एक गुरुकुल है, गुरु जैसे शिष्यों को अपने छाव में रख के एक इंसान बनाते हैं, एक अच्छे आदमी करते हैं, और यहाँ पे एक अच्छे टेक्नीशियन जो होता है वो सब यहाँ भी बना जाता है और कहीं नहीं हो सकते, ये मेरा गारंटी। बैठ जाओ। थैंक यू वेरी मच वकान। कॉइल कितने प्रकार के होते हैं बोलिए, कौन कौन से? दूसरा, तीसरा, और चौथा बूस्ट कॉइल। जैसे सारे अभी तो सारे कंपोनेंट ऑल ओवर बन जाएंगे, मैं इनको खड़ा करना चाहूंगा। कुछ बात करते हैं सप्लाईयों की, बैटरी कनेक्टर के बारे में बताओ, क्या बैटरी होती है? सर बैटरी कनेक्टर करीब करीब 2 टिप से लेकर 4 टिप के होते हैं। अगर 2 होंगे तो क्या होगा? प्लस और माइनस होगा। अगर 3 होंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस BSI और उसी में बी टेम्प होता है। और अगर मान लो 4 हुए एंड्रॉइड में तो क्या होगा? प्लस माइनस BSI बी टेम्प। और अगर सैमसंग होता है जिसमें प्लस माइनस BSI और NC होता है और एक ही में। अच्छा 2 एरर आते हैं, एक बैटरी एरर आता है, एक लो टेम्परेचर, 2 अलग अलग एरर क्यों भाई? अगर ये एक ही है बैटरी, बैटरी सही BSI भी है और बी टेम्प है, तो ये किसके एरर हुए? ये BSI के एरर है। अगर बैटरी एरर आ रहा है तो किसका एरर है? BSI। अगर मान लो आपके पास कोई बैटरी एरर आता है किसी भी फोन में, मान लो MI 3S प्राइम में, उधर चार्जिंग कनेक्टर लगाने पर चार्जिंग एनेबल नहीं हो रहा है और उसमें बैटरी लो टेम्परेचर आ रहा है या बैटरी एरर आ रहा है, तो क्या करोगे बताओ? सर ये नॉर्मली इसके 3 फॉल्ट होते हैं, लेकिन वो यही आगे सीखने पड़ेंगे वो क्या क्या होते हैं कैसे। 3 फॉल्ट में आपको 3 सोल्यूशन दिए हुए हैं प्रॉपर तरीके से, और सारे सोल्यूशंस आपको बताया हुए हैं कि कैसे आपको चेक करना है कैसे नहीं। मुझे एक बात बताओ, आपको कितना साल का एक्सपीरियंस है? सर मुझे 15 साल। आप सच बताइए कि 15 साल में और अब अभी 5 दिन में कितना अंतर है आपके? बहुत अंतर है सर, बहुत अंतर है। मतलब पहले भी बहुत कुछ कर लेता था, मेरे को लगता था बहुत जानता हूँ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मालूम पड़ा कि जैसे ग्लास में कुछ बूंदे नहीं होती उतने ही मालूम था। अभी तो बहुत देर है सीखने के लिए, अब तो बहुत कुछ ले जाना है, बहुत कुछ ले जाना है यहाँ पर। तो ये आपको सीखने को मिला। आपने एसर टेलीकॉम को ही क्यों चुना? मतलब इतने दुनिया में पूरा हिंदुस्तान में आपने एसर टेलीकॉम क्यों चुना? क्योंकि जब मेरी रिपेयरिंग का काम होता है तो मेरे पास अलग अलग इंस्टीट्यूट से लड़के सीख के आते हैं, बहस करते हैं, अपना नॉलेज दिखाते हैं, तो पता चलता था। लेकिन जब यहाँ का रिव्यू देखता था ना, तो उनके चेहरे से जो एक सेटिस्फेक्शन और एक ये अलग ही आंखों में पहचाना जाए। आज आप वाकई में जो खुद खड़े होकर जो वीडियो देख रहे हो वो आप दे रहे हो, क्या मैं आपको सिर्फ थ्योरी थ्योरी सिखाया हूँ क्या? नहीं सर। सिर्फ थ्योरी सिखाओ क्या? सिर्फ रजिस्टर्ड को सिर्फ बोर्ड में उतार के बताया गया है क्या? नहीं सर, बाकायदा प्लेट में चेक करके बताया जाता है, पहले थ्योरी होती है फिर उसके बारे में पूरा प्रैक्टिकल होता है, बताया जाता है इसमें। और मैंने आपको सारी वो कंडीशन भी बताई है जो डायरेक्ट सोल्यूशन जो दुकानों में भी होती है, कि अगर एक रजिस्टर्ड उखड़ भी जाए तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना सर्किट डायग्राम के। अच्छा किस किस को स्कीमेटिक रीड करना अभी बन जाएगा मुझे बताओ, सर्किट डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं, रिसीवर और रिंगर जिसका हमने सेक्शन किया। अगर मैं आपको उठाऊं, आप इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए पहले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझे बताओ कि आपके पास एक रिंगर के टिप्स है और उसमें रिंगर आपके कस्टमर का ऐसा सेट आ रहा है, नोट 4 आया आपके पास और रिंगर फटा हुआ आ रहा है, मतलब बज रहा है पर फटा हुआ बज रहा है, तो तुम कैसे बनाओगे? सर पहले तो मैं कॉल टेस्टिंग के दौरान उसकी रीडिंग चेक करूंगा दोनों टिप्स पर जो मुझे पता है, फिर मैं उसके सीरीज में और पैनल में लगे कंपोनेंटों को चेक करूंगा। वही अगर रीडिंग की से तुम्हें 3 फॉल्ट मिल जाएंगे क्योंकि पर ये चीज मैं डायरेक्ट सोल्यूशन भी दिया है। तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन बता दो, कोई नहीं है मार्केट में, हमें भी कुछ दे देना चाहिए, बताइए। डायरेक्ट सोल्यूशन है ना, मैं आईसी के पास से रिंगर बजा के दिखा सकता हूँ। दिखा सकते हो, बट यहाँ पर देखो ये प्रॉब्लम है कि रिंगर फटा हुआ आ रहा है, सो इसका फॉल्ट किसका फॉल्ट है बताओ? अगर कंपोनेंट हो गया तो फिर आईसी का फॉल्ट है। आईसी का फॉल्ट है, आईसी को यहाँ पर रिप्लेस करोगे, रिबॉल करोगे कि रिप्लेस करोगे? जी रिबॉल करके बात बनती है तो ठीक है, वरना रिप्लेस करेंगे। नहीं तो कौन सी आईसी को? ऑडियो आईसी भाई, ऑडियो आईसी तो फिर कहाँ ढूंढोगे? ऑडियो आईसी भाई कॉलकॉम का सेट है, MI Note 4, तो कौन से आईसी को निकालोगे? PM मेन PM
उसमें तो दो आईसीएल लगी हो सकती है, पीएमआईबी और पीएम, फिर कौन सी आईसी को निकालोगे? पीएम को निकालोगे। तो ये आईसीओ का नॉलेज मिला है कि नहीं मिला है? पूरा मिला है कि नहीं पूरा है? मतलब अभी पीसीबी देखने का नजरिया क्या हुआ है? बिल्कुल चेंज हुआ। आपका नाम क्या है, कहां सा है? मनोज कुमार, दिल्ली से। मनोज, दिल्ली से इतना बड़ा शहर, साउथ नॉर्थ दिल्ली इतना बड़ा, आप छोटे से जबलपुर में क्यों? सर मैं बता नहीं सकता, ये इंस्टीट्यूट बेस्ट है, वो सारे टीचर है ना बहुत बेस्ट है सर, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जिसे सीखना है यहाँ पे आके सीखो, है मोबाइल पे ज्ञान नहीं मिलेगा, अगर सीखना यहाँ पे आके सीखो, प्रॉपर नॉलेज मिलती है सर, एक एक पॉइंट जो हम छूट जाता है इसके बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाता है सर, बिल्कुल, और प्रैक्टिकल करवाया जाता है सर। क्या बात है, ताली बजा दीजिए सर। पीसीबी देखने का नजरिया पुरानी बात हो गई, यहाँ से जब हम जाएंगे तो पीसीबी से बात करने लगेंगे, जब हमारे हाथ में मल्टीमीटर होगा ना तो हम पहचान जाएंगे कि कहाँ से क्या फॉल्ट है। सही बात है, तो बहुत बेरी बहुत, ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आना चाहिए। बोलिए, एक बात है सर, मैं भी परेशान हूँ, आपको तो सर रात को 12 बजे भी उम्मत पढ़ना होता है, 12 बजे भी हमारा मैसेज आता है और हम ये लेके बैठ जाते हैं, जो ये कंपोनेंट को पूरा सर्किट डायग्राम बना के देना पड़ता है, जो हमारे पास कुछ होता ही नहीं होता है, जबकि 9 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है जबलपुर का, इतने कम डिग्री में लोग कंबल में घुस जाते हैं, हम लोगों को उठ के सर अभी सर्किट बना के देना पड़ता है बिना औजार के। क्या हुआ? बिल्कुल, ये इंस्टीट्यूट का रिव्यू। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, क्या तीन चीज दिखाई देती है? टिप्स, कंपोनेंट्स, आईसी। क्या तीन चीज होती है? प्लस माइनस एनसी। प्लस मतलब रीडिंग वैल्यू, जो कि आईसी से आती है। कितनी? 200 से 2000। कौन सी मेथड? कोल्ड टेस्टिंग से करनी होती है। ये सही बताया कि नहीं बताया? देखा जाए तो सबसे साथ पहले आते आप में से बहुत लोगों को कॉम्पोनेंट भी नहीं पता थे। अच्छा, पहले दिन में कंफ्यूजन हुई कि नहीं हुई थी? क्योंकि मैंने आपको पूरा ट्रेसिंग पहले दिन से बताना चालू किया है। आप सोचो कि यार बताओ कैसा टीचर है यार, ये हमें तो कॉम्पोनेंट भी नहीं आते, ये तो सीधा ट्रेसिंग बता रहा है यहाँ पर। सो बताओ पहले दिन का क्या रिव्यू और अब का क्या रिव्यू है? सर काम बहुत दिन से कर रहे हैं, पहले दिन तो हमको पता नहीं था कौन कॉम्पोनेंट क्या होता है नहीं होता है, लेकिन आज सारे कंपोनेंट्स का डीपली नॉलेज हो गया है। मैंने आपको एक दिन याद है पहले दिन में क्या बोला था, क्या चेंज कर दूंगा? क्या बोला था मैंने? बोला था कि अगर सारे लोगों को पता नहीं, सारे कंपोनेंट्स की अगर पहचान नहीं करवा दिया जान क्या खराबी है, तीन दिन के अंदर तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो मैंने अपना नाम बदला क्या? एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दो। तो मुझे आप ये बताओ कि अगर एक फोन आया बैटरी उखड़ी हुई है जी, तो कैसे बनाएंगे उसको? सर बैटरी कनेक्टर अगर उखड़ा हुआ है तो उसके पास हमें दो चीजें मिलेंगी। क्या? एक मिलेगा अब्बा जान और एक मिलेगा छन्नी। तो एक क्या मिलेगा? अब्बा छन्नी। अगर हमें वो भी नहीं मिलता है तो हम आईसी के पास जो वीबैट की वैल्यू है उसको ट्रेस करके उस पे हम डीसी मशीन से चेक कर सकते हैं। चेक कर मतलब यार डीसी मशीन हमको काम में आएगी और इससे फोन हम चालू कर सकते हैं। ये मैंने चालू करके दिखाया था कि नहीं दिखाया था? ठीक है, तो यहाँ पर आपका नाम क्या है? सर चेतन। चेतन आप कहाँ से आए हैं? यूपी। क्या रिव्यू है आपका इन 5 दिनों के अंदर, क्या कहना चाहोगे? जो सोचा था उससे बहुत अलग मिला है सर, मुझे कोई जानकारी नहीं थी सर, मैं 2008 से मोबाइल का शॉप था हमारे यहाँ, लेकिन मैं रिपेयरिंग नहीं करता था क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं थी ना, मैं इंटरेस्ट रखता था, अब जब पूरी जानकारी होगी तो मैं पूरी तरीके से काम कर सकूंगा। मतलब अब आप जो काम करेंगे तो प्रोफेशनल तरीके से करेंगे? प्रोफेशनल तरीके से करेंगे सर, क्योंकि हमको पीसीबी का नॉलेज है। जी सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से बताया, एक बार अपने लिए ताली बजा लो यार। और ताली आप लोगों के लिए। और मैं सच बताऊं, ये एक मेहनत होती है, हम लोग आप पर करते हैं, पर एक मेहनत आप लोगों ने पूरी तरीके से दी है हमको, और हम लोग बैठ के हमेशा ये बात करते हैं कि कौन कितना सीख रहा है, तो आप में से कभी भी ऐसा किसी का नाम नहीं आया जिसने कभी ये नाम आए कि यार ये बंदा कम सीख रहा है या सीखना नहीं चाह रहा है या ये सीखने की लालच से नहीं आया यहाँ पर। सो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, वैसे 17 मिनट का हो गया है, तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके पूछिए कि क्या आप कुछ नया देखना चाहते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको यहाँ पे पढ़ने आना है तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 12 बजे से 5 बजे के बीच में, मंडे टू सैटरडे। और दोस्तों ऐसे ही बने रहिए चैनल के साथ, थैंक यू वेरी मच। तो इसके साथ मैं हमेशा मैं यही चीज कहता हूँ कि जैसे तुम्हारा घर कहाँ तक है सर? कहाँ है घर? अयोध्या। अयोध्या तक आवाज जानी चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है?
तो हम बात करते हैं, हमारी सॉफ्टवेयर की क्लास सीपीयू वाइज खत्म हो चुकी है, अब बची है फाइल वाइज। तो मैं बात करता हूं, तो आईफोन की फ्लैशिंग कर लेंगे। मीरा टेक की यस सर, कॉलकॉम यस सर, एमआई यस सर, सैमसंग यस सर, एसपीडी यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब दो टूल होते हैं, आईट्यून होता है और थ्री यूट्यून होता है। आईट्यून और थ्री यूट्यून। आप पहले से काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? नहीं सर, मैं फ्रेशर हूँ। अब भाई ये बताइए, आप कितनी इजी लगी आईफोन की फ्लैशिंग? बहुत इजी लगा सर। अब आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अब आप छोटा सा ये बता दो कि आपने ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करके आप कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। मतलब सही चूज किया कि? सही चूज किया, मैं कह रहा हूँ सही चूज किया। चलिए अब मैं जो ट्रिक दी जाती है वो मतलब जैसे नहीं कहते हैं किसी को पिला दिया जाए, उस एंगल से आप लोग बताते हैं कि मतलब उसको एकदम दिमाग में एकदम बैठ जाता है। जैसे किसी को रख दिया समय बोझा तो सर उस पर पड़ा रहेगा, उसको उतरने वाला नहीं है ना, ये डिलीट होगा यहाँ से। अब दिल से बोल रहे हैं क्या सर? मैं दिल से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं बोलता हूँ, मतलब झूठ नहीं बोलते हैं। आईडी नहीं, सही बात है, झूठ नहीं बोलते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो झूठ बोलते ही नहीं, पहले हमारे डाउट डाउट थे सब सब क्लियर हो गए। किसी और को देने की जरूरत है क्या? नहीं सर, नहीं नहीं, बिल्कुल कॉप भी ऑनलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हो। सीपीयू पे काम कर सकते हो, सीपीयू उठाकर रिमोट कर सकते हैं वाला भी। जी सर बिल्कुल, अभी भी है मेरे पास, अभी ये बोर्ड है सर। अच्छा ये वाला बोर्ड है, क्या काम किया इसको थोड़ा दिखाइए। एमसी निकला, ये वाला एमसी, ये पेस्टेड है सर, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक पेस्टेड, यहाँ पे एमसी निकाला है इन्होंने। और अभी सर बताइए, आप दुकान पे काम कर रहे थे अपना, कब से काम है आपको, कितना एक्सपीरियंस है आपका? 5 साल से। 5 साल से आपको, अब क्यों लगा कि मुझे एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए एज अ शॉपकीपर, एज अ टेक्नीशियन? मुझे जहाँ मैं फंसता था, मुझे लगता था मुझमें बहुत कमी है, लेकिन यहाँ आने पर लगा कि सारी कमी अब दूर हो चुकी है। अब मुझे ऐसा लगे एमसी करने के बाद, मुझे ऐसा लगे मेरा कुछ और मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सकता है हार्डवेयर से, जो कि मैंने हार्डवेयर के लिए अप्रैल के लिए क्लास ज्वाइन किया। मतलब आपने दोस्तों मैं बता दूं, इन्होंने हमारी हार्डवेयर की अप्रैल की क्लास को पहले से बुक करा के रखा हुआ है सर, जो कि मार्च में मेरे कुछ फ्रेंड ने करवाया, मार्च में। हाँ। मार्च में सीट खुलने का मेरा नहीं हो पाया, इनको अप्रैल में मिला हुआ है। और तो आपने इजी टेलीकॉम को चुना, यहाँ आए पहले दिन और अब के में कितना अंतर है, क्या आप सेटिस्फाई हैं यहाँ आकर, ये बता दो। मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई, बिल्कुल सेटिस्फाई है यहाँ पर। तो पहले दिन और अब अभी आप बाजू वाले को काम दोगे कि नहीं दोगे? क्या बाजू वाला मेरे पास आके अभी करेगा। अच्छा आपने वीडियो तो बहुत सारे देख रहे होंगे, तो हमारी भी चीज में क्या अच्छी लगी आपको, मतलब कि आपने हमको ज्वाइन किया सर? आप लोगों का मतलब पढ़ाने का शैली वो सब अलग है शुरू से, और सर अगर हम किसी से पूछते हैं कि कौन सा टेलीकॉम बेस्ट है तो वो सब बोलते हैं सब एशियन टेलीकॉम बोलते हैं। अच्छा तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि सब ये पूछते हैं, इन्होंने रिव्यू भी लिए लोगों से, अब वो ये बोलते हैं कि एशियन टेलीकॉम बेस्ट है, इसलिए आप यहाँ आए। वहाँ से सेट में अटक जाता था, अगर मेरे पास पूरा सेट बन के नहीं जाता था, रिटर्न हो जाता था कस्टमर, तो फिर मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करने के लिए एशियन टेलीकॉम आया था 28 अगस्त की बैच में। एक महीना पूरा पढ़े आपने? पूरा पढ़ा सर, उसके बाद मैं तो घर में जाके बहुत से सेट बनने, पूरा पूरा सेट बनने लगा लगभग, और कुछ कुछ सेट अटका जो एमएनसी से प्रॉब्लम था, और वो सेट मैं क्योंकि डेड मोबाइल है आपके पास में, जेटेक नहीं, यूएफआई नहीं है, अभी आप कितनी एसी को रिवॉल्व चेंज करोगे, क्योंकि आपको एमसी चेक करने के लिए तो ये बॉक्स चाहिए ना। हाँ सर, तो मेरा यूएफआई जेटेक में कोई नॉलेज ही नहीं था, मेरे पास बॉक्स भी नहीं था, आईएसपी और ऑनलाइन वाले सेट भी नहीं कर पा रहे होंगे। बिल्कुल सर, तो फिर मैं सोचा कि मैं इस में अटक रहा हूं, मतलब बेस्ट मेरे एशिया टेलीकॉम से मिला है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में, तो फिर बेस्ट मेरे को लगा कि एमएनसी में यही से करूँ एशिया टेलीकॉम से। अच्छा तुम्हें, अच्छा सबसे काम कर रहे हैं सर? मेरा कॉन्फिडेंस 6 साल से कर रहा हूँ सर, लेकिन मैं 4 साल से चीफ लेवल का काम करने के लिए कोशिश कर रहा था सर। हाँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था सर। मतलब आप समझ गए कि ये काम को सीखने के लिए कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी जरूरी है सर। जी सर, क्योंकि अकेले से सर्टिफाइड नहीं हो पा रहा, सर्टिफाइड नहीं है, क्योंकि आप YouTube से देखकर कितना सीख सकते हो सर? YouTube से तो सर छोटा छोटा कर सकते हैं, लेकिन अपडेट हो सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं, कुछ चीजों का पता लग सकता है, पर सर प्रैक्टिकली नॉलेज तो जाकर पता चलता है। तो ये चीज आप बताओ, आज और पहले दिन में कितना अंतर है? सर बहुत अंतर है सर, अभी तो मैं कॉन्फिडेंस बोल सकता हूँ कि मैं 100% कर रहा हूँ। सो पहले दिन और आपके मैं आपको वाकई में जो आपने सोचा था कि मैं उड़ीसा से एशियन टेलीकॉम आऊँ और यहाँ सीखूँ, तो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? जो यहाँ पे आपने एशियन टेलीकॉम की टी शर्ट पहनी है वो दिल से पहनी है? एक ऑनलाइन
पहले क्या था सर, इसमें कोई फोन बनाया तो बना लेता है, क्या होता है मैंने मतलब कंपोनेंट खराब हो तो पावर ऐसे निकाले और लेकिन क्या मुझे सर अच्छा समझाते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा, अरे आपको आएगा नहीं, हाँ पकड़ के सिखाने का तरीका मतलब दोनों पावर सही बात है। इंडिया का नंबर वन शूट कौन है? अभी लगा कि प्रॉपर में आप, थैंक यू सो मच भाई, एक बार ताली बजा दो, इन्होंने परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है, कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिल रहा है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएगा तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी, अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन मैं देखते ही रहता था, वैसे भी अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था, आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। देखिए सर, जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया नंबर इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से है, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है, अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है, पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के नहीं रहे हैं, सही बात, पता नहीं चलता है। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया, तो पैसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था, जो सर्किट बना रहा था अच्छा मोबाइल बना के लिए, वो टेक्नीशियन लोग तो उनको नए रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैंने यहाँ पे गए हुए तो 2-3 स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना मिलेंगे, अच्छा देते थे तो लगता था एक हिसाब से, हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेड सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगा और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सिखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो करके मतलब हम बोले सर ने पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी भी बोलते हाँ हमें बोलना है कहेंगे तो ये बोलना, नहीं जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे हैं, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि हमें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे मतलब हमें ऐसा
फील हुआ, मैंने लगा हमको भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो देखा और यहाँ पे आया तो फिर टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाई हैं सर? 100% सर्टिफाइड है। अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और आगे को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा सवाल डाल सकता हूँ, उसमें अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा एक स्कूल विजिट कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था की मैं हर एक फॉलो को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं से मतलब इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर। जो कल नए बच्चे जो आए थे? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सभी ने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है। जिसका वो अंदर का ट्रैक, उसका सप्लाई ट्रेसिंग, उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.